तो हम मेष लगन की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न भावों में जब दोनों की युति बनती है तो किस प्रकार के रिजल्ट रह सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरे भाव में अगर सूर्य और चंद्रमा आपके मेष लगन की कुंडली में युति कर रहे हैं तो इस युति का आपको कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो आपका दूसरा भाव है उसमें वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र चंद्रमा के साथ अत्यंत मित्रवत हैं और चंद्रमा यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे तो चंद्रमा यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और सूर्य भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या चंद्रमा अस्त है? अगर चंद्रमा यहाँ अस्त भी हो जाते हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, सूर्य यहाँ अपनी चमक बिखेरेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आवाज़, आपके बोलने के तरीके, इन सब पर इनका दोनों का ही एक साथ असर पड़ेगा। तो हो सकता है आप बोलने में या इवन किसी को अपनी पर्सनैलिटी से प्रभावित करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अब सूर्य आपके चार्ट में पांचवें भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा आपके चार्ट में चौथे भाव के स्वामी हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको डिसीजन लेना आसान रहेगा, अपने धन को, अपनी संपत्ति को मैनेज करना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। इसके साथ साथ ये दोनों ही ग्रह, जहाँ पर सूर्य आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं वहीं चंद्रमा माता जी को, तो ऐसी कंडीशन में इस बात की संभावना बहुत ही अधिक है कि आपको जीवन में ज़्यादातर जो प्रोग्रेस आपके रहेगी उसमें आपके माता पिता का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो आपको पैतृक संपत्ति के मामले में माता पिता से बहुत कुछ मिला होगा या आपको मिलेगा, या कहीं ना कहीं आपके जो जीवन साथी की फैमिली है वो भी आपको काफ़ी कुछ मदद करेगी। तो अब इन दोनों की ही युति है तो आपको शुक्र को भी देखना जरूरी है। शुक्र आपके चार्ट में कितनी मजबूत स्थिति में है उतना ही अच्छे से आप अपनी लाइफ को जी पाएंगे। अब सूर्य जहाँ पर एक राजा के समान ग्रह है, वहीं चंद्रमा जब सूर्य के साथ होंगे तो वो सूर्य के अनुरूप ही काम करने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में चंद्रमा अस्त हो गए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका चंद्रमा अस्त होने से मन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा जिससे आपकी वाणी का प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। चंद्रमा के अस्त होने के केस में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अधिक रहेगा, आप कोई भी काम करेंगे आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। इसी प्रकार से ये दोनों मिलकर आपके आठवें भाव को ज़रूर मजबूत कर देंगे। आठवें भाव को मजबूत करने से आपको पैतृक संपत्ति वगैरह में तो फ़ायदा होगा ही होगा, आपको स्टडीज़ में भी काफ़ी फ़ायदा होगा, इवन आपको अकल्ट के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में या कोई भी ऐसे बहुत गोपनीय फील्ड में सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही अधिक रहेंगे। इसके साथ साथ ज़्यादातर जो आपकी अर्निंग्स होंगी या ज़्यादातर जो आपको धन संपत्ति मिलेगी वो दूसरों के सपोर्ट के माध्यम से मिलेगी। हालांकि आपको अपना ओवरऑल चार्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए, लेकिन हम ओनली इन दोनों ग्रहों की ही सिर्फ बात कर रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो चंद्रमा है आपके फोर्थ लॉर्ड हैं, चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होने के केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहेंगे और अपनी फैमिली के जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी प्रचलित जो भी धारणाएँ हैं फैमिली में, उन सभी को फॉलो करेंगे और एक अच्छे फैमिली के संचालक आप बन सकते हैं, एक अच्छे मुखिया बन सकते हैं आप अपने परिवार के। लेकिन जब तक आपके माता पिता रहेंगे, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके जो घर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं और आपके जो माता पिता हैं उन्होंने आपकी फैमिली की बहुत हद तक जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ली हों और आपको शुरुआत में जन्म के बाद से भी बहुत अच्छी परवरिश मिली हो अपनी फैमिली के द्वारा। सूर्य चंद्रमा का यहाँ होना आपको काफ़ी एजुकेटेड बनाता है, आपको बहुत ही ज़्यादा समझदार बनाता है। इसके साथ साथ आपको किसी भी प्रकार के क्रिएटिव काम को करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। सूर्य चंद्रमा का यहाँ होना आपकी वाणी और आपके फेस पर एक अलग प्रभाव डालता है, जिससे आप अगर किसी को भी अपनी वाणी से प्रभावित करना चाहें, किसी को भी अपनी वाणी के अलावा अपनी पर्सनैलिटी से प्रभावित करना चाहें तो आप आसानी से प्रभावित कर सकेंगे, तो आप में दूसरों से काम निकलवाने की क्षमता होगी। अब यहाँ पर चंद्रमा कितना ज़्यादा क्लोज है सूर्य के, चंद्रमा जितना अधिक सूर्य के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आप में दृढ़ आत्मविश्वास होगा। हालांकि ये कंजक्शन आपको थोड़ा ईगो जरूर देगा जिससे फैमिली के साथ कभी कभी मतभेद होने के भी चांसेस रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपकी ग्रोथ में योगदान दूसरे लोगों का ही रहेगा। अब यहाँ पे आप ये देखें कि इन पर कौन कौन से अन्य ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं और यहाँ सूर्य कितना ज़्यादा मजबूत है। यहाँ सूर्य जितना अधिक मजबूत होगा आप उतना ही ज़्यादा लाइफ स्टाइल पर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे और आप हमेशा अपने पैसे को बचाने के बजाय खर्च करना बहुत अधिक पसंद करेंगे। अपनी फैमिली के साथ भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़े रहेंगे आप लोग।
अब इन दोनों का ही सम्मिलित रूप से एस्पेक्ट आपके आठवें भाव पर है। आठवें भाव पर एस्पेक्ट होने की वजह से आपकी लाइफ में अचानक बदलाव आएंगे और वो बदलाव ज़्यादातर पॉजिटिव ही होंगे। ज़्यादातर धन संपत्ति का फ़ायदा होना या अचानक आपको कहीं से पैसे मिल जाना, धन मिल जाना या कोई अन्य ऐसी वस्तु मिल जाना जो काफ़ी कीमती हो। अब यहाँ चंद्रमा हो सकता है कि सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज हों, तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा अगर सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तब हो सकता है कि जो इवेंट होंगे आपकी लाइफ में वो काफ़ी सडन ना होके थोड़े स्लो भी रह सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, थोड़ा सा इनके मध्य गैप ज़्यादा है डिग्री वाइज, तो ऐसे में चंद्रमा आपकी लाइफ में बहुत सडन ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल में सडन चेंजेज आ सकते हैं, आपकी वाणी, आपके बोलने के तरीके में कुछ समय बाद बदलाव हो सकते हैं जो कि आपके लिए हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे। अब ये दोनों मिलकर आपके अपनी फैमिली के प्रति सोच, अपने धन के प्रति सोच और अपनी लाइफस्टाइल के प्रति सोच को दर्शाते हैं कि आपकी मेंटलिटी कैसी है अपनी धन संपत्ति को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है अब कि आपके पास अपने फैमिली के आशीर्वाद की वजह से सब कुछ होगा और आप एक अच्छी जॉब भी प्राप्त करेंगे। सूर्य आपको यहाँ काफ़ी पॉपुलर बनाएंगे। आपको हो सकता है कि अपने परिवार से ही धन संपत्ति ज़्यादातर मिला हो, लेकिन उसकी वजह से जो आपको नेम फेम मिलेगा उसको यहाँ सूर्य दर्शा रहे हैं। इसके साथ साथ आपका नेटवर्क सर्कल भी बहुत बड़ा हो सकता है और ये इसी वजह से हो सकता है कि आपकी फैमिली का योगदान आपकी ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहने वाला है। अब सूर्य और चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित हैं वैसे तो, लेकिन क्योंकि वो फिफ्थ हाउस और फोर्थ हाउस के स्वामी हैं, ऐसे में एक तो ये आपकी शुरुआती एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। शुरुआत में आपने अपना जीवन कैसे जिया है जन्म होने के बाद, और फैमिली के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग दिखाते हैं ये दोनों। इसके साथ साथ आपको अपनी संतान, अपनी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी खुद की जो भी स्किल्स हैं क्रिएटिविटी के अलावा भी, उन पर काम करने का बेहतरीन से बेहतरीन मौका मिलेगा। तो आपको इस कंजक्शन को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। अब हो सकता है इस कंजक्शन पर किसी भी अन्य ग्रह की अगर दृष्टि हो तो कुछ हद तक थोड़े बहुत परिणाम यहाँ बदल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ सूर्य जितना अधिक मजबूत होगा आपको फ़ायदा उतना ही अधिक होगा। बट यहाँ पर आप जब भी किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर ध्यान अवश्य आपको दे लेना चाहिए।